हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और यहाँ पर मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था। जब मैं नहाती हूँ जब मैं बाथरूम में मैक्सी पहन के आ जाती हूँ, फिर जाती हूँ चेंज कर लेती हूँ, बट आज लेट हो रहा था तो इसलिए मैं चेंज करने नहीं गई। मैंने कहा पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं जाऊँगी चेंज करूँगी, क्योंकि क्या है ना कि इसको पकने में टाइम लगेगा और पापा भी आते होंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले 2 प्याज ली हूँ मैं, और 2 प्याज को मैं ऐसे छील लूँगी, फिर धुल लूँगी अच्छे से ही, और फिर उसके बाद दोनों को पतले पतले से मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। ये देखिए आप, तो यहाँ पर कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है। जब खूब ज़्यादा कढ़ाई गर्म हो जाती है ना, जब आप तेल डालो तो वो अच्छे से जल्दी से ही पक जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ मिर्चियाँ ली हूँ, 5-6, क्योंकि चटपटी चीज़ इनको ज़्यादा पसंद है, इसीलिए 5-6 मिर्चियाँ ली हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा जीरा डालूँगी और ये प्याज और मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर लूँगी हल्का सा ब्राउन होने तक। और उसके बाद मैंने 2 टमाटर लिया है, जस्ट 2, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं। और एक साइड में मैं चाय चढ़ा दूँगी। यहाँ पर दूध और पानी मैंने साथ ही साथ रख दिए हैं, और अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच इसी तरीके से, और फिर थोड़ी सी चाय पत्ती 1 चम्मच, 1 चम्मच से थोड़ी थोड़ी सी करके डाल देती हूँ, तो अंदाज़ा हो जाता है अंदाजे के हिसाब से। फिर जब हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं टमाटर डाल के पका लूँगी, और जो चने को हमने उबाल लिया था उसको मैं साइड निकाल लूँगी, उसका सारा पानी निकाल के इस तरीके से देखिए एक साइड रख लूँगी। और फिर पराठा आटा लगा हुआ शाम का है, अगर पापा खाएंगे तो पराठा बना दूंगी, वरना चना ही खा लेंगे। और इसके बाद 2 पैकेट मैं 1 रुपए वाला मसाला डालूंगी, देख लूँगी अंदाज के हिसाब से जैसा आएगा ग्रेवी, मतलब सॉरी ग्रेवी मतलब मसाला रहे, क्योंकि स्वाद अच्छा तभी आता है, वरना फिर उबलापन आएगा ना तो सादा चना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मसाले वाला चना बना रही हूँ, तो बस इसको इस तरीके से रख कर ढाक देंगे 2 मिनट के लिए, तो हमारा चना रेडी हो जाएगा बस, और इसको हम ढाक देंगे। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, नहा लिए, पूजा कर लिए हैं, चाय पीने जा रहे हैं। तो सब कुछ आपने देख ही लिया कि बन ही गया है, पराठा बना दे और चना खाओगे? तो चना बन चुका है और अब हम इनके लिए चाय गर्म कर देते। पापा आए नहीं, 8 बज गया है, 8 बजने में 5 मिनट लगभग बाकी है, 15। हाँ, तो इनको मैं दे देती हूँ, पापा पराठा खा के ही जाएंगे, हो सकता है उनके मूड का भरोसा नहीं। नहीं, उसको धूप में डालनी यार, अभी तो मैं पहनी थी ना, फिर चेंज करी हूँ, नहाई हूँ तो वही पहनी थी ना, गीली होगी। तो ये देखिए प्लास्टिक की होती है ना, गैस बंद किया कि नहीं? हाँ, प्लास्टिक की होती है ना, तो यही प्रॉब्लम। कहाँ गए? तो गाइस यहाँ पर सभी लोग जा चुके हैं, पापा और ये, तो मैंने कहा चलो अब किचन समेट लेती हूँ। दूध वाला आया था तो दूध मैंने साइड में रख दिया है, एक दूध उबाली थी एक भूल गई थी, तो अभी उसको मतलब खौला रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं किचन को समेटूँगी, जो सारी चीज़ें फैली हैं इधर उधर उनको समेटूँगी, और आटा मैंने लगा लिया है, तो क्योंकि आज मैं पराठा अभी बना के रख दूँगी। ऐसे तो जब जो खाता था जब भी बनाती थी, लेकिन मुझे काम निपटाना है थोड़ा सा, अच्छे से सेट करना सभी चीज़ें इसी वजह से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सब्जियाँ हैं आई थी, तो मैं उनको अच्छे से एक साइड रख दूँगी, जहाँ जिनकी जगह है, आलू अलग, प्याज अलग, इसी तरीके से। तो 2-3 है तो अपना देख लूँगी, जिस हिसाब से मुझे रखना है उस हिसाब से मैं रख लूँगी। इकट्ठे में सब्जी ख़राब हो जाती है ना, तो लहसुन मिर्ची एक साइड कर दूँगी और प्याज वगैरह एक साइड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए सभी चीज़ों को अलग अच्छे से रख दूँगी, और यहाँ पर हमने रख दिया, और चना का जो था चना कढ़ाई में वो भी हमने खाली करके ढक कर रख दिया है। आटा जो मैंने लगाया था उसको मैंने कटोरी से ढक कर रख दिया था। तो यहाँ पर मैं गिन के पराठे बना लूँगी, जो जितने खाते हैं उस हिसाब से बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने परथन निकाल लिया है, क्योंकि परथन रहेगा तभी तो आप अच्छे से बेल पाओगे ना। तो अब यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ काट लूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फिर वो वेस्ट चला जाता है और कोई खाता भी नहीं है, और मैं भी ठंडा नहीं खाती हूँ, जब मुझे खाने का मन होता है जब ही खा लेते हैं। तो इस तरीके से लोइयाँ बना लूँगी, और मुझे वहाँ का ध्यान था इसलिए मैं नीचे बैठी थी, मैंने कहा इकट्ठे बना लूँगी फिर सेकना है, फिर याद आया तो फिर ऊपर गई कि अब तो रखने की जगह है ना, तो फिर कौन सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर पहले मैं गोल गोल पराठे की तरह छोटा छोटा बेल लूँगी, फिर तेल लगा लूँगी और फिर उनको फोल्ड कर दूँगी। और तावे के मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैंने तावा चढ़ाया नहीं, तो फिर फटाक से हम तावा चढ़ा लेते हैं ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाए, और सभी पराठे को इस तरीके से सेक लूँगी। ये देखिए
तिकोना वाला ही पराठा ये लोग खाते हैं, गोला वाला नहीं खाते। तो चलिए फटाफट से पराठा बना लेते हैं। और इसके बाद लाइट भी चली गई थी तो इसके आगे का काम मैं नहीं दिखा पाई। सो गाइस, हालत देखिए, अभी पोछा लग चुका है, किचन का सब कुछ हो चुका है अभी तरीके से। और अब मुझे करना है क्या, बर्तन और रूम, सारे रूम। ये देखिए इतने सारे बर्तन पड़े हैं, तो पहले मैं इन सबको क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद कमरे की करूँगी, क्योंकि लाइट जा चुकी है तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब तक मैं साफ कर लेती हूँ बर्तन, फिर मिलती हूँ, क्योंकि अभी तो कोई मतलब ही नहीं है कमरे में जाने का, बिल्कुल अंधेरा है, ब्लैक है। तो जब तक हमारी किचन हो गई, मैंने टॉर्च जला के कर लिया, पराठा आधा सिका था, जब भी चली गई लाइट तो फिर मैंने टॉर्च जलाया, इसी वजह से वीडियो आगे नहीं बनाई हूँ। फिर टॉर्च जलाई, झाड़ू लगाई, पोछा लगाई और अब जा रही हूँ बर्तन धुलने, फिर थोड़ी देर से आप लोगों से मिलते। देखिए कौन आया है, मुझे पता भी नहीं था मेरे भाई आए, जिसकी स्टोरी मैंने किसमें सुनाई थी, अपने लव स्टोरी में सुनाई थी ना, लव स्टोरी में भी और उसमें भी, लव स्टोरी में सुनाई थी, खिलाने वाली, हाँ खीर खिलाने वाली, जो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी और जिनके बारे में मैंने बताया था, जो आए थे घर पे बात करने के लिए, सरप्राइज दिए, एकदम से पता भी नहीं था, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि ये गाँव आए हैं या नहीं। हमारी कितना बड़बड़ाई, बड़बड़ा कह रही, बोलू भी ना, बोल रहे बड़बड़ा रहे, अभी तो आपके सामने सीधे साधे बैठे हैं, लेकिन सीधे साधे नहीं, क्योंकि कैमरा ऑन है, वरना इनकी हरकतें मैं रिकॉर्ड करती हूँ बैक कैमरे से, आप देखिएगा इनकी हरकतें, जितने करीब दिख रहे हैं ना उतने है नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे फेवरेट भाई ने बताया ही था मैंने, है ना, हाय तो कर दो, शादी करवाने में नहीं कहा था, मुझे फंसा दिए पता नहीं कहाँ, है ना, अच्छा मतलब फंसाया, और क्या, आप ही तो कह, हाँ हाँ करने, लड़का अच्छा है, देख लो कितना अच्छा है, देख लो कितना अच्छा है, क्या कर रहे हो, देख रहे हैं, क्या कर रहे हो, ये स्टैंड लगा रहे हैं, हाँ, और टीवी का, और सेटअप बॉक्स का, सोना पकड़ो आपको, तो इनकी हरकतें कैमरे में कैद होती रहेंगी, आप लोग भी देखते रहिएगा, बहुत बड़ा सरप्राइज था, हर बार हम पकड़ लेते थे, हर बार मैं पकड़ लेती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे पता भी नहीं चला। और आज मैं बैठी थी, एकदम से याद भी कर रही थी, मैंने कहा बहुत दिन हो गए भाई से बात नहीं, करीब 1.5 महीने हो गए, उतने में आधे या 1 घंटे में इनका फोन आ गया, फिर बात भी हुई, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, सोनम मेरी बोली यानी कि मेरी बहन, लेकिन मैं शक नहीं खा पाई, मुझे उतना वही नहीं था, फिर अचानक से कूद पड़े एकदम से घर में आके, बाहर से छत से नहीं, दरवाजे से कूद पड़े, सोनम आई तो मैंने कहा ये अचानक से कैसे आ गई, क्योंकि कोई काम तो था नहीं, और जैसे मैं दरवाजा बंद करने लगी वो एकदम से आ गए, है ना, और अकेले आए, भाभी लोगों को भी नहीं लाए हैं, सोचिए कोई मतलब नहीं, मेरी भाभी आई तो क्या हुआ, गाड़ी से आए थे तो ला सकते थे, है ना, सेफ्टी तो थी अपनी, गाड़ी या बस से तो आए नहीं थे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लंबा रोड पे नहीं चलाने आती गाड़ी, हाँ है ना, अपने लिए चला सकते हैं और फैमिली के लिए नहीं चला सकते, हाँ बाबू मेरी बोल रही नहीं, ऐसे है तो अकेले ही आ गए, सोचिए अकेले नहीं आना चाहिए थे ना इनको, है ना, तो अभी हम चल रहे चाय बनाने और उनकी हरकतें दिखाती रहूंगी, हंस रहे हैं, चुपचाप से रिकॉर्ड करती रहूंगी, अभी तो पार्टी शुरू है, आते बोल रहे कि पार्टी देगी कि नहीं, मैंने कहा बाहर की पार्टी नहीं घर की पार्टी मिलेगी, है ना, फटाफट से चाय बना लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से, हम नहीं खाएंगे, तुम मम्मा पापा
तो यहाँ पे चार बज चुके हैं और भाई सभी लोग हम लोग चाय पी रहे थे, तो मेरे देवर भी आ गए थे चाय पीने के लिए, और जो मौसिया सास की बहू है वो भी आएंगी। तो ये मेरे देवर की वाइफ नहीं है, मतलब मौसिया सास के जो बेटे हैं वो भी देवर ही लगे, तो उनकी वाइफ है ये, तो वो अलग रहती हैं, बगल में ही आ गई हैं रहने के लिए। कौन आया देखिए, मैचिंग कौन आया है, मिलिए भाभी सरप्राइज। भाई आए थे बताए नहीं थे, भाई से तो मिल ही चुके हैं है ना, और एकदम से आ गई सरप्राइज दे दी है, तो कर लो नहीं करोगे, देख लो बोल रहे नहीं करेंगे, अब आप लोग इनको बोलिएगा घमंडी भाभी, देख लो सब बोलेंगे घमंडी भाभी है, हाय कर दो ऐसे, तो कर दो ऐसे, तो कर दो भी। तो अभी आई है और आज की शोर सुन रहे हैं सभी, बैठो नहीं घुस देर से मिलते आप लोगों से, ठीक है, ये मेरी भाभी। तो गाइस अभी रात में पता नहीं कितना बज रहा, हम लोगों को ध्यान ही नहीं था क्योंकि बात करना यही सब लगा हुआ था, तो बस हम लोग खाना खा रहे थे और भाई लोग आज ही आए हैं घर, पहले गए थे यानी मेरी मैं के, फिर मैंने ये इन्होंने कहा नहीं यहीं आ जाओ, फिर ज़बरदस्ती इन्होंने यहाँ रोक लिया। और जो पनीर की सब्जी बनी है, पनीर बनी है, दम आलू बनी है, दम आलू मैंने यहाँ पे बनाया था, पनीर सोनम घर पर बनाई थी यानी मेरे मायके में, तो वही लेकर आ गई थी, तो वही सब हम लोग खाना पीना खा रहे हैं। तो चलिए खाना पीना खा लेते हैं, फिर आराम से आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर से, ठीक है। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12 और ये देखिए जस्ट अभी हम लोग खाना पीना खा के बैठे हुए हैं, अभी बात कर रहे हैं, देखते हैं कितनी लंबी बात चलती है, क्योंकि अभी तो ये जग रहे हैं महान हस्ती, समझ गए होंगे कौन भाई, जग तो सभी रहे हैं, महान जग सभी रहे हैं, लेकिन ये सोएंगे नहीं ना, सोने देंगे, लेकिन मैं तो सोऊंगी क्योंकि सुबह उठना पापा 8 बजे चले जाएंगे, तो बना के देना ना भाभी है ना। तो चलिए वीडियो का एंड यही करते हैं, अच्छे मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, बाय, तो बोल दो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट भाई, गुड नाइट भाभी, गुड नाइट, गुड नाइट। तो ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मस्ती भरा ब्लॉग देखने को मिलेगा आप लोगों को, और किसकी मस्ती, भाई और भाभी की। तो बस ओके बाबा, प्रयागराज में, हाँ ओके बाय, गुड नाइट।